इजारत के लिए बालों में खुशबू बांध लेती है, तिजारत के लिए बालों में खुशबू बांध लेती है, जरूरत आखिरी मंजिल पे गुरु बांध लेती है। और जहांगीरों को भी हमने गुलामी करते देखा है, जरूरत जहांगीरों को भी हमने गुलामी करते देखा है, मोहब्बत आदमी के दस्तों बाजू बांध लेती है। तुमसे मिलते ही पिछड़ने के वसीले हो गए, दिल मिले तो जान के दुश्मन कबीले हो गए। तुमसे मिलते ही पिछड़ने के वसीले हो गए, दिल मिले तो जान के दुश्मन कबीले हो गए। और आज हम पिछड़े हैं तो कितने रंगीले हो गए, मेरी आंखें सुर्ख तेरे हाथ पीले हो गए। तो बताते ग्रामी जहां जनाबे शहीद कबीर की बात की, तो वाकई हम बड़े फख्र से उनका नाम लेते हैं कि वो हमारी सरजमीन से ताल्लुक रखते थे और शहर नागपुर से पूरे उर्दू अदब की नुमाइंदगी उन्होंने न सिर्फ बड़े संगीत में बल्कि अपने एल्बम और दीगर वसाइल के जरिए सारी दुनिया में उर्दू अदब और जदीद अदब की नुमाइंदगी की। जब उर्दू अदब नागपुर और कराची की सरजमीन में दाखिल हुआ तो जनाब मिदहतुल अख्तर और जिया अंसारी जैसे शोरा के साथ सफ़े फहरिस्त में जो नामे नामी उभर के सामने आया वो जनाब शाहिद कबीर का नामे नामी था। और आज हमारे लिए एक और खुशी की बात है, शायद आप में से अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते हुए होंगे कि हॉलीवुड की फिल्मों में आज तक कोई उर्दू गजल शामिल नहीं हुई। ये पहला मौका है कि जब हॉलीवुड की फिल्म में उर्दू गजल की शमूलियत हुई है, पहली उर्दू गजल जो हॉलीवुड में शामिल की गई है हॉलीवुड की फिल्म में, वो भी जनाब शाहिद कबीर की गजल है। हम जनाब शाहिद कबीर की गजल हॉलीवुड की फिल्म में देखेंगे और सुनेंगे। शाहिद कबीर के खानवादे से ताल्लुक रखने वाले आपके फजलते अजीज जिन्होंने जनाब शाहिद कबीर की शख्सियत पर पीएचडी की सनद भी हासिल की है, जनाब समीर कबीर हमारे बीच मौजूद हैं। जनाब समीर कबीर में भी शेर व शायरी की का वो जज्बा शायद उन्हें विषय में शाहिद कबीर से मिला है, तभी तो उनके अशआर का अक्सर तीखापन हमें शाहिद कबीर साहब की याद दिलाता है। मैं जनाब समीर कबीर को बड़े अदब व एहतराम के साथ आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। तेरी आहट की आरजू लेकर दर पे दस्तक थमी थमी होगी, तेरी आहट की आरजू लेकर दर पे दस्तक थमी थमी होगी, तेरे कदमों को चूमने के लिए फर्श पे थोड़ी सी जमी, तेरे कदमों को चूमने के लिए फर्श पे धूल सी जमी होगी और एक कसक फिर से दिल में उठती है। इश्क तार तार होता है, एक कसक फिर से दिल में उठती है, इश्क फिर तार तार होता है, तब के सहरा की गर्द रेतों पे जिंदगी खाक छानती है। सहरा की गर्द रेतों पे जिंदगी खाक छानती होगी, पर कोई आहट न कोई जुम्बिश है, दिल मगर कुछ तो सुनता है, कोई आहट न कोई जुम्बिश है, दिल मगर कुछ तो सुनता रहता है, चांद के साथ तू भी छत पर है, तेरी पायल कभी बजी है। इंशाल्लाह 10 अक्टूबर को हमारा एक सोनी म्यूजिक
पे एल्बम आने वाला है आमीन, उसकी एक गजल है क्या किया जाए। अजीब उससे भी रिश्ता है क्या किया जाए, अजीब उससे भी इच्छा है क्या किया जाए, वो सिर्फ काबू में मिलता है क्या किया जाए, वो सिर्फ काबू में मिलता है क्या किया जाए, और जहां जहां तेरे मिलने का है गुमान वहां, जहां जहां तेरे मिलने का है गुमान वहां, न जिंदगी है न रास्ता है क्या किया जाए, जहां जहां तेरे मिलने का है गुमान वहां, जिंदगी है न रास्ता है क्या किया जाए, और कभी न की थी तवज्जो में आपने लेकिन, कभी न की थी तवज्जो में आपने लेकिन, हमारा जख्म ही गहरा है क्या किया जाए, तवज्जो में आपने लेकिन, हमारा जख्म ही गहरा है क्या किया जाए, और गलत नहीं मुझे मरने का मशवरा उसका, गलत नहीं मुझे मरने का मशवरा उसका, वो मेरा दर्द समझता है क्या किया जाए, वो मेरा दर्द समझता है क्या किया जाए, और नजर का अप्रिशिएट यू कि वो मेरी जान का दुश्मन सही मगर फिर भी, वो मेरी जान का दुश्मन सही मगर फिर भी, मेरे लिए वही अच्छा है क्या किया जाए। बहुत जनाबे समीर कबीर साहब, वाकई जैसा कि मैंने दावा किया था कि जनाबे शाहिद कबीर की शायरी की रुमानियत और उनका तीखापन जनाबे समीर कबीर की शायरी में जा बजा नजर आता है, मेरे दावे को की दलील पेश की जनाबे समीर कबीर की शायरी ने, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरत गिरामी, जनाब समीर कबीर बहुत कम वक्तों में एल्बम्स के जरिए, अपने कलाम के जरिए, मुशायरों और अदबी महफिलों के जरिए आज आदमी दुनिया में अपना नाम पैदा कर चुके हैं, अपना मकाम बना चुके हैं। बहुत कम लोगों को इस जमा साली में ये खुशनसीबी उनके हिस्से में आती है, लेकिन जनाब समीर कबीर आज चाहे सोशल मीडिया हो या एल्बम्स की दुनिया है, जनाब समीर कबीर का नाम वाकई बड़े अदब व एहतराम के साथ किया जाता है। और जैसा कि शुरुआत में जनाब रेहान कौसर साहब ने एक उम्मीद जाहिर की थी कि हम बहुत जल्द बॉलीवुड की फिल्मों में भी जनाब समीर कबीर के गीत हमें सुनने को मिलेंगे, तो वाकई वो दिन दूर नहीं जबकि जनाब शाहिद कबीर की तर्ज पर, जनाब शाहिद कबीर की तरह ही समीर कबीर का भी अपना एक वैसा ही मकाम और वैसा ही नाम होगा।